जिले के गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर मोड़ पर बुधवार की रात हुए जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व बसपा नेता रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के पीछे चुनावी रंजिश को लेकर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जानकारी के मुताबिक गगहा के हटवा के मूल निवासी रितेश मौर्य बसपा में रह चुके थे व गगहा के वार्ड 51 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। देर रात रितेश जनसंपर्क करके कार से घर लौट रहे थे कि गगहा गजपुर मोड़ पर एक युवक ने हाथ दिया तो रितेश कार रोक कर उतर गए। रितेश के साथ में गांव का सुंदर मौजूद था। सुंदर के मुताबिक इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो बदमाश आए। बाइक चला रहा युवक गमछा बांधे था और पीछे बैठा युवक हेलमेट लगाया था। पीछे बैठे युवक ने सिर से सटाकर रितेश को गोली मार दी और गांव की ओर भाग गया। आनंद फानंद में कुछ लोगों की मदद से रितेश को जिला अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रितेश को दो गोली मारने की पुष्टि की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई और एसएसपी जोगेंद्र कुमार और दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा सूरज भैया क्या किया जाए। समय तो ऐसा है कि तो बोलने की स्थिति में है मार रहे थे किसी बात पर और ड्राइवर का नंबर और व्हाट्सएप उनको किया फोटो पिक कर लेना वहाँ गगहा चौराहे पे उसके लोग पिक किए हैं गगहा चौराहे पे और वही अपनी गाड़ी किसी पर चिपका रहे हैं जब खड़े थे चौराहे पर मेरे भाई 2015 से ही गगहा क्षेत्र में राजनीति में बहुत ही सक्रिय थे। चूँकि वो काफ़ी दबंगों का बाहुबलियों का इलाका है तो हमेशा ही लोगों के आँखों की किरकिरी थे। तो घटना अभी बैठे थे उनका एक उनका साथी था सुंदर वो बैठे थे चौराहे पे पोस्टर यहाँ से चंदन भैया भेजे थे पोस्टर वो पोस्टर बस से उतरवा के लगाए थे अपनी गाड़ी पर उसके बाद बैठे थे। उसके बाद सब गाड़ी से आए टू व्हीलर से हेलमेट लगाए थे उनको मार दिए गोली सर 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 बता तो राजनीतिक है ये सब षड्यंत्र जिला पंचायत का गगहा से वार्ड संख्या 51 से जी हाँ। इसके पहले भी लड़े थे वहीं से नहीं नहीं पहले नहीं हुआ था काफ़ी लोग उनको जैसे दूसरे तीसरे माध्यम पुलिस ने आश्वासन यही दिया कि अपराधियों को खोजा जाएगा जो भी होंगे। 9:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है गगहा चौराहे पर थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया है उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है क्राइम ब्रांच सरोलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से इनको वर्कआउट करके और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब इसमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कहना जल्दबाजी होगी प्रथम दृष्टया मामला पॉलिटिकल भी हो सकता है लेकिन अभी तक कहना जल्दबाजी है कि किस वजह से घटना की गई है ये क्योंकि अभी तक बहुत अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घटना हुई है। कल रात 9:45 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गगहा चौराहे पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये व्यक्ति जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले रितेश मौर्या थे जो पिछला चुनाव लड़े थे इस बार भी तैयारी कर रहे थे। पुलिस मौके पर गई उनके परिजन उनके साथी जो उस समय वहां मौजूद थे वो उनको लेकर अस्पताल गए पीछे पीछे पुलिस भी पहुंच गई उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया।
यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आज प्रातः काल बनाम अज्ञात हत्या की तहरीर दी, जिसपे अभियोग थाना गगहा में पंजीकृत कर लिया गया। डेड बॉडी का पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई, शाम तक डेड बॉडी घर पहुंची है। परिजनों ने जैसा शाम को हम लोगों को बताया कि कल वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनकी कुछ मांगे भी हैं, पुनर्वास, आर्थिक सहायता, सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस, इस तरह से जुड़ी हुई। उसके बारे में उन लोगों को एडीएम और एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बासगांव ने अवगत करा दिया, मौके पे ही लिखित दे दिया। जो शासन के नॉर्म में है वो सारी कार्यवाही की जाएगी। आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता का प्रस्ताव भी भेज दिया जाएगा। अन्य जो मांगे हैं उसको भी शासन को संदर्भित किया जाएगा और नियमानुसार जितना कुछ भी देय होगा परिवार की शासन प्रशासन की भी संवेदना है और उसकी कार्यवाही की जाएगी। तो मैंने बताया कि मुकदमा अज्ञात पंजीकृत है और विवेचना की जो प्रगति है फिलहाल उसको डिस्क्लोज करना वो विवेचना के भी हित में नहीं है, अभियोग के भी हित में नहीं है। इस मत है कि प्रीमैच्योर कोई बातें शेयर करने से फिर आगे की कार्यवाही कहीं ना कहीं वो विचलित होने लगती है। लेकिन हम ये जरूर आपसे कह सकते हैं कि पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, अति शीघ्र घटना का अनावरण करके दोषी लोग कानून के शिकंजे में होंगे।